हमारे चैनल पर स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल पर नए देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज का जो स्टॉक है उसका नाम है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स, GNFC इसको शॉर्ट में कहते हैं। और आज का प्राइस है 251 रुपये 17, June 2019 है आज, और मार्केट बंद हो चुकी है। समय हो रहा 5:36 शाम का, और 52 वीक लो था 238 रुपये, 52 वीक हाई था 474 के आसपास, और 6 महीने में जो रिटर्न है इसमें देखिए 25% नेगेटिव में है। जिन्होंने एक साल पहले पैसे लगाए थे उनको ही 46% के नेगेटिव में रिटर्न मिल रहे हैं। मार्केट कैपिटल इसकी 4,075 करोड़ की, और फेस वैल्यू 10 की, पी रेशियो अभी भी 10 के नीचे मिल रहा, यानी कि 5.42 का है। अर्निंग पर शेयर 48.24, अर्निंग पर शेयर शानदार लग रहा है। प्राइस टू बुक भी काफ़ी अट्रैक्टिव, 1 के नीचे ही है, 1 के अंदर ही है, 0.77 की, और डिलीवरेबल 45% के आसपास, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो इसकी बुक वैल्यू भी हम देख लेते हैं क्या है करंट भाव। अब यहाँ पे देखिए चार्ट पे, यहाँ से लगातार 474 के प्राइस से धीरे धीरे डाउन एक साल के अंदर, और लो बनाया था इसने 237 रुपये का, और आज जो है 251 के भाव पे ट्रेड हो रहा है। और बुक वैल्यू इसकी है 321, तो बुक वैल्यू से भी कितना नीचे मिल रहा है, यानी कि अभी जो प्राइस है काफ़ी सस्ता लग रहा है। लेकिन लेने से पहले हमें समझना चाहिए इनकी बिज़नेस के बिज़नेस इनके प्रोडक्ट्स के बारे में कि क्या हमें इसमें अच्छा रिटर्न भविष्य में मिल पाएगा, या जिन्होंने लिया था क्या उन्हें अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। डेट देखिए 207 करोड़ का है, जो कि बहुत ही ना के बराबर है। लेकिन हम फाइनली रिजल्ट देखते हैं ईयर ऑन ईयर के, और फिर क्वार्टर के भी देखते हैं। एक गुड को एवरेज क्वालिटी कंपनी दिख रही है, और सेल्स ग्रोथ है इसकी 4% के, सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है। EBIT ग्रोथ है इसकी 5.14% के आसपास, और इसका ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 10.30%, ROE 9.14% के हिसाब से। और अगर हम इनके रिजल्ट्स में बात करें तो ईयर ऑन ईयर अगर मार्च 2018 से मार्च 2019 के कंपेयर करते हैं तो नेट सेल्स जो थी मार्च 2018 में 1764 करोड़ की, वही हो गई मार्च 2019 में 1430 करोड़ की, यानी 18.90% के हिसाब से डाउन साइड है। और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे इनको जहाँ मार्च 2018 में थी 328 करोड़ की, वहाँ सीधे हो गई 93 करोड़ के आसपास की, यानी कि 71.55% के आसपास के डाउन साइड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड है। और मार्जिन में भी देखिए 19.38% की डाउन साइड है, 19% के आसपास के। तो इसी वजह से लगातार टूट रहा है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। और अगर हम क्वार्टर के देख लें, दिसंबर 18 से मार्च 19 में क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स में कंपेयर कर रहे हैं, तो नेट सेल्स में यहाँ पे 17% के आसपास की अपसाइड है, और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ अगेन डाउन साइड देखिए 43% के आसपास की डाउन साइड है। तो ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर के भी इनके जो नेट प्रॉफिट है ज़बरदस्त डाउन साइड है। मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया हुआ है 0.77% के आसपास। और शेयर होल्डिंग परसेंट प्रमोटर्स के पास है 41.18% की, और इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, 0.02% के आसपास कम की हुई है। FIIs है 157, 14% के होल्डिंग के आसपास है, और इंडिविजुअल्स हैं और 23% के आसपास, और म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है 15 स्कीम्स, 2.76% के आसपास हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स हैं, जिस हिसाब से इनका प्राइस है, उस हिसाब से स्टॉक तो बहुत सस्ता है। लेकिन हमें यह देखना है कि अभी ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। हुआ क्या था कि चाइना में जो पॉल्यूशन की वजह से कुछ कंपनियाँ फर्टिलाइज़र की बंद हो चुकी थी, उस वजह से जो इंडियन कंपनीज थी, जिनमें से GNFC दिग्गज कंपनी है, इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। लेकिन चूंकि खाद बनाती है, यूरिया बनाती है, नर्मदा यूरिया के जो प्रोडक्ट्स, अभी हम इनकी वेबसाइट पे भी चलेंगे, तो होता क्या है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि खाद, तो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, तो सब्सिडी का पैसा समय पे नहीं मिल पाता इन कंपनियों को, तो इस वजह से इनको भी लॉस में दिखाना पड़ता है। तो इनके वेबसाइट पर चलते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। अब देखिए, 3 सेगमेंट्स में यहाँ पर काम कर रही है। एक फर्टिलाइज़र की बेसिक केमिकल से, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है, तो डाइवर्सिफाई कंपनी है। अगर हम फर्टिलाइजर्स में देखते हैं
तो यहाँ पे नर्मदा जो इनका मेन ब्रांड है यूरिया, नर्मदा यूरिया, और इनका जो प्लांट है भरूच में है गुजरात। और अगर हम केमिकल्स के इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं तो मेथनॉल, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसेटिक एसिड है, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स ये प्रोड्यूस करती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, आईटी डिवीजन में काम करती है। तो कंपनी बहुत शानदार है और प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन वही लोग इन्वेस्ट करें जो एक लंबे समय के निवेशक हों और अपने ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा कर लें कि क्या हमें इस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या फिर आपकी अपनी खुद की स्टडी होनी चाहिए कि आने वाले समय में, जैसा कि अभी मौसम भी आ रहा है खाद पानी का, किसानों की जो खेती बाड़ी करने का, तो उसमें भी इनके खाद वगैरह की काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन होता क्या है कि चाइना कभी कभी, अगर वहाँ की फैक्ट्रीज इनकी शुरू हो गई चाइना की पोल्यूशन की वजह से शिफ्ट हुई थी, जो बंद हुई थी, तो फिर इंडियन ऑब्वियसली वो सस्ता माल मिलता है तो इंडियन कंपनीज को थोड़ा सा मुनाफा कम हो जाता है, जिस वजह से संभवतः इनके रिजल्ट्स में भी फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस मुझे आज एक स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी थी कि करंट में अभी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन लंबे समय के लिए थोड़ा सोच समझ के और कभी भी पूरा पैसा किसी स्टॉक में मत डालिएगा, आप कुछ ये थोड़ा सा ले सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो इनके आगे के जो रिजल्ट्स होंगे वही तय कर पाएंगे कि स्टॉक में बढ़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए आज मैं यहीं पे अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।